राम राम। मैं पंडित एसके मिश्र आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा चमत्कारिक बिना मंत्रों का सिद्ध प्रयोग लेकर के आया हूं। इसके माध्यम से आपके अंदर एक अद्भुत आकर्षण शक्ति पैदा हो जाए। चाहे आप युवक हैं, युवती हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बालक बालक का कोई भी हो, जिसको भी चाहे आप अपने वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बांध सकते हैं या बांध सकते हैं। यह प्रयोग सभी के लिए है। कोई युवक, युवती, स्त्री, पुरुष कोई भी इसे कर सकता है। इसमें किसी का नुकसान नहीं। एक एक स्टेप को आपको बारीकी से सुनना है, समझना है। वशीकरण का जब भी प्रयोग करें तो किसी को हानि या क्षति पहुंचाने के नियत से कदापि ना करें। भूल करके भी इसका दुरुपयोग नहीं करें। यदि आप लोग रिश्तों में प्रगाढ़ता घटती जा रही है, बात बात पे लड़ाई झगड़े मनमुटाव बढ़ते बढ़ते आपको ऐसा लगने लगा है कि मानो रिश्ता चल ही नहीं, या आप लोग रिश्तों में जो प्रगाढ़ता पहले थी उस तरह की प्रगाढ़ता नहीं हो पा रही, आपके रिलेशनशिप में दरारें पड़ती जा रही हैं, ब्रेकअप तक की नौबत आ गई है, या आप लोग के दाम्पत्य जीवन में क्राइसिस बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते ऐसा लगने लगा है कि मानो रिश्ता चल ही नहीं पाएगा, तो वहां इसका प्रभाव है। वशीकरण का अर्थ होता है किसी को अपने बस में करके अपनी इच्छा अनुसार उससे कार्य करवाना। मगर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि भूल करके भी इसका दुरुपयोग। जब भी आप कोई यंत्रों का, तंत्रों का, मंत्रों का, हमारे द्वारा बताए गए टुटकों का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो अपनी एनर्जी को भली बात आपको रीड कर लेना है। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो किसी भी कार्य में आपको तुरंत ही सफलता मिल जाती है, और यदि एनर्जी बैलेंस नहीं है तो समय लग जाता है, कभी कभी तो कार्यों में असफलता होने लगती है। अतः हो सकता है अपने भीतर के वशीकरण पावर को बढ़ाएं। इसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जो आप अपने घर बैठे ही हमारे माध्यम से सीख सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब भी आप कोई प्रयोग करें एकांत स्थान में करें, किसी की टोक ना लगे, और अपने मन में किसी प्रकार का टेंशन तनाव अगर है तो उसको निकाल करके कोई प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य। प्रयोग करने से पहले अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है, और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर इसका प्रयोग करें तो अवश्य ही सफलता। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो किसी न किसी गुरु की सहायता से ही सिद्धि मिलती है, अतः गुरु की तलाश करिए। फिर भी यदि आप असफल हो जाते हैं गुरु को तलाशने में तो आप परेशान ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना होगा कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात मैं आप लोगों से आग्रह करने वाला हूं, निवेदन करने वाला हूं कि हमसे संपर्क करने के लिए फोन कॉल का कदापि प्रयोग ना करें। अधिकतर फोन कॉल आने से मोबाइल साइलेंट होता है, किसी से बात नहीं हो पाती है, और फोन ना उठने से आपके मन में भी दुख होगा। अतः मैं आप लोगों से पहले क्लियर कर देता हूं कि हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप का प्रयोग, अपना नाम, अपना तुरंत खींचा फोटो, जो भी समस्या हो साफ साफ लिखें। हमारे यहाँ जो भी जानकारियाँ हैं गुप्त होती हैं, लेकिन हमको तो जानकारी अवश्य। और यदि आप
किसी प्रकार की समस्या का समाधान करना चाहते तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस प्रयोग में संभाव में आपको कूट, तगर, हड़ताल और हल्दी लेना है। हड़ताल, तगर, कूट और हल्दी, इनको इकट्ठा करना है। हल्दी तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, कूट, तगर, हड़ताल जहां पे पूजा पाठ की सामग्री मिलती है वहां से जाकर के आप ले लेंगे। समान मात्रा में सबको लाना है और अपनी अनामिका उंगली से, रिंग फिंगर होता है, उस उंगली से रक्त की कुछ बूंदे इसमें डाल लें। पहले सबको बारीकी रूप से आपने पीस लिया है, फिर उसमें थोड़ा रक्त डाल करके इसका तिलक करके या बिंदी लगाकर जिसके भी सामने जाएंगे वो आपके बस में हो जाएगा या बस में हो जाएगा और अपना सब कुछ आप पर न्यौछावर कर देगा या न्यौछावर कर। अपने आप में बहुत चमत्कारी प्रयोग है, आजमा के देखिए। धन्यवाद। राम राम।